सबस्क्राइब करा जनवार्ता न्यूज चैनल ला, बेल आयकॉन वर क्लिक करून लेटेस्ट न्यूज बघा। लाइफ केअर हेल्थ फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष हमीद सलमानी यांनी 1 डिसेंबर HIV निर्मूलन दिवसानिमित्त संस्थेच्या मागण्या मांडल्या। मेरा नाम हामिद हनीफ सलमानी है और मैं लाइफ फोर्सेस हेल्थ फाउंडेशन ये संस्था पक्ष हूँ मैं, इसका क्षेत्र महाराष्ट्र की मुझे मान्यता है और 2004 से ये रजिस्ट्रेशन है संस्था, जो हम लोग TB एंड HIV एड्स के लिए काम करते हैं या फिर नए इलाज बीमारी में TB, कैंसर, शुगर ये सभी चीज़ें आ जाती है या अपंग कोई भी हो, पर कोई भी काम हमारे पास आ जाता है हम उस काम को निर्णय लेके काम करते हैं, पर उसमें भी हम लोगों को काफ़ी चीज़ों में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है आज। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि एक तो HIV वालों के लिए जो ससून हॉस्पिटल ART सेंटर ऑल इंडिया में नंबर 1 ट्रीटमेंट देने के लिए जो डॉक्टर लोग चेंज करते हैं पेशेंट का, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि ART जो दवाई है वो ससून हॉस्पिटल क्या कोई भी ART सेंटरों में साल में 1-2 बार शॉर्ट हो जाती है। तो ये सेंटर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ART दवाई शॉर्ट ना होनी चाहिए और वो गरीब लोग जो है वो खरीद के नहीं खा पाते क्योंकि महंगी दवाई है और बाहर से उनको लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी चीज़ और एक है कि जब एक ससून हॉस्पिटल जो है ये एक सिविल हॉस्पिटल है सेंटर गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे हमने जो HIV एड्स के लोगों में जो भेदभाव बोलते हैं वो हमने ये चीज़ देखी है। यहाँ जो ART सेंटर के अंदर में जो है जो CD4 HBLFT HB और ये सभी जो खून बनाते हैं तो ये प्राइवेट बेसिस के ऊपर में यहाँ पे ब्लड लिया जाता है। तो जब ये लोग वहाँ पे ब्लड देने के लिए जाते हैं तो वो लोग जो है ब्लड देते हैं, देने के बाद में वो बोलते हैं कि इतना कलेक्शन क्यों आ गया या फिर उनकी रिपोर्ट ही नहीं आ पाती, तो पेशेंट को डबल अपना ब्लड देना पड़ता है, कलेक्शन करना पड़ता है। तो ये सेंटर गवर्नमेंट के अंदर ही ससून हॉस्पिटल में जो 56 नंबर है वहाँ पे HIV वालों का ब्लड कलेक्ट करना चाहिए, ये कायदेसर है और ये बेकायदेसर वो लोग चल रहे हैं आज से नहीं, ये काफ़ी सालों से यहाँ पे चलता आ रहा है। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि शुगर वो मेडिसिन में आ जाता है, शुगर वालों को बोलते हैं तुम जाके वहाँ से HIV का खून लेके आओ उधर से तपास के लिए, और जब वो लोग जाते तो फास्टिंग का मिल जाता पर सेकेंड का मिलता नहीं है उनको। तो इतनी काफ़ी चीज़ों का सामना उठाना पड़ रहा है कि पेशेंट लोगों को डबल खून देने के बाद भी रिपोर्ट कंप्यूटर पर नहीं आ पाती, एक ये चीज़ का मेरे ये सभी डिमांड हैं। तीसरा डिमांड मेरा ये है कि जो HIV के लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता, एडमिट करने के बाद में उनको अधूरा ट्रीटमेंट मिलता है, जो होरपन है, निराधार है या गरीब हो गया वो, जो बाहर की दवाइयाँ हैं वो नहीं मिल पाती उसको, गवर्नमेंट अपने पास की दे दिया लेकिन बाहर का जो चीज़ है तो वहाँ पे जो कंज्यूमर फंड होता है उसमें से भी नहीं मंगाया जाता। अभी एक पेशेंट हमने एडमिट कर रखी थी तो उसे TB की दवाई मिलती पर ARTI नहीं मिली 2 महीने से, क्योंकि जो हॉस्पिटलों में जो वार्ड बॉय रखते हैं निराधार पेशेंट के लिए वो उसकी सेवा ही नहीं करता है, उसका पूरे ढंग से ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता उसको, मेडिसिन खिलाने का काम उसका है, साफ सफाई कम करने का काम उसका है, फिर या स्टाफ का काम है वहाँ पे उसे IV वगैरह लगाने का, पर पेशेंट की ऐसा कोई भी सर्विस वहाँ नहीं मिलती निराधार की। निराधार का ये कि बस एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दो, एक कोने में डाल देते, उसके खाने के बर्तन तक के रहते नहीं है। ये चीज़ें हम लोग कोई भी अधिकारी आके देख सकता है, पर अधिकारी जब आते हैं तो उनको बताते ना, अपॉइंटमेंट होने से पहले मालूम पड़ा कि पेशेंट को एक से एक कपड़े भी मिल जाते हैं, बेड सफाई हो जाती है, वार्ड अच्छे हो जाते हैं। बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी अधिकारी आए हमारे पास हम डायरेक्टली ले जाके दिखाएंगे कि आज कंडीशन क्या है पेशेंट लोगों की। तो हमारे ऐसे बहुत डिमांड है। तीसरा डिमांड मेरा ये है कि जो HIV टेस्ट होती है होने के बाद में काफ़ी लोगों को काम पर नहीं लिया जाता है, और अभी पुलिस भर्ती होती है तो पुलिस भर्ती में भी किसी को पॉजिटिव आया तो उसको काम पर लेने में बहुत कठिनाई आ जाएंगी, पर उसने इतनी मेहनत करी सब है लेकिन वो आम जिंदगी जी सकता है। आज HIV होने के बाद भी मेरे पास ऐसे 27 साल 28 साल तक के लोग मैं दिखा दूं कि आज भी 25-30 किलो का वजन उठा के 1 किलोमीटर तक भाग सकता है वो इंसान, मैं खुद ये प्रूफ कर दूंगा। तो इतने साल में अगर जो उनको LIC गवर्नमेंट नहीं देती है, बैंकों के अंदर में जाओ तो बोले नहीं ये पॉजिटिव है, ये चीज़ हो जाता है LIC में भी नहीं मिलता है HIV पॉजिटिव को, क्यों नहीं मिलता? 27-28 साल में चाहता तो वो 1 नहीं 2 LIC ले लेता था, तो उसके मानवाधिकार का ये उल्लंघन है। तीसरी चीज़ ये है कि उनको जो है जीने का हक या अधिकार नहीं है, ऐसा हमारे को खुद को लगता है। ये गवर्नमेंट है जो ये चीज़ दिखा रही है कि भाई इनको जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है?
क्योंकि उनको वो फैसिलिटियाँ नहीं मिलती, जैसे अंधों को, अपंग को, लंगड़ों को, आज वो कैटेगरी में पड़े हुए हैं कि उनके सारे अधिकार देखते हुए भी उनको नहीं मिल पाती। ऐसे हमको HIV पॉजिटिव लोग को वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो हमारा ये डिमांड है कि और एक HIV पॉजिटिव लोग के लिए जो है कॉरपोरेशन को कुछ करना चाहिए हमारे साथ में, जैसे PMT पास फ्री हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसे मुद्दे होने चाहिए हमारे। ऐसे एक बहुत बड़ा हमारा ये डिमांड है। एक ये चीज़ है कि अगर जो कोई GR बनता है, अभी हमने पीछे 2013 से एक बिल डाला हुआ था, उसमें हमने मंत्री जी को लेटर भी लिखा था, उसका कोई उत्तर नहीं आया। तो उसमें जो है अभी HIV/AIDS का जो बिल है वहाँ पे पड़ा हुआ है कि भाई जो HIV से बाधित हो गया उसको काम से निकाला है, घर घर भाड़े से नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए ऐसे गवर्नमेंट ही GR बने और वो पूरा ट्रेलिंग पुलिस को देना चाहिए कि भाई ये अगर जो HIV बाधित लोग है इनको अगर जो कोई घर भाड़े से ले रहा है तो उसे घर भाड़े से देना चाहिए, और वो मना कर रहे हैं तो उन पर कायदे से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, या कॉरपोरेशन की कोई जगह ऐसा वो मांग रहा है और वो नहीं मिल रही, या कोई पॉजिटिव आदमी रोड पे कोई धंधा या कुछ कर रहा है तो उसे पुलिस को या कॉरपोरेशन वालों को उनको मदद करनी चाहिए कि भाई ये आदमी वजन उठा के काम नहीं कर सकता, तो थोड़ी हेल्प उनको करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मेरी संस्था 2004 से रजिस्ट्रेशन है पाटिल स्ट्रीट में, और 4 से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में दो बार तो पानी में डूब चुका, तो 2004 में 2006 में मेरे डॉक्यूमेंट, मैंने ऑडिट वगैरह कुछ भी नहीं कराया अभी तक, ना बैंक अकाउंट खोला है। जो कोई डोनर हो ये सब काम करा के दे सके या कोई ज़मीन दे सके, तो मैं HIV पॉजिटिव लोग के लिए ऐसे जो रोड पे फेंक दिए जाते हैं उनको घरों में नहीं रखा जाता, तो ताकि मैं एक पतरे का सेट क्यों ना मारूं और उनको रहने के लिए मैं सब बंदोबस्त कर सकूं, मेरी एक अपेक्षा है ऐसी।